नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला में। इस कार्यक्रम के तहत हम आज आप पहुँचे हैं वार्ड क्रमांक 62 शहीद राजू पांडे वार्ड में। यहाँ के लोगों से बात करके जानेंगे कि यहाँ की आखिरकार जो वर्तमान पार्षद है उनके कामकाज से वो कितना खुश हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं पानी बिजली सड़क उसको लेकर यहाँ पर कितना काम हुआ है, इसके अलावा जो दावे पार्षद ने किए थे उनमें आखिरकार कितना दम है। तो चलते हैं वार्ड की ओर। देखिए, मैं लगातार यहाँ 2 बार से पार्षद हूँ और इसके पूर्व भी मेरी बुआ जो नफीसा आजमी थी वो भी पार्षद थी। तो हमारा तीन बार का लगातार कार्यकाल है और निरंतर वार्ड की जनता ने कांग्रेस को यहाँ पसंद किया है और विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो सब में कांग्रेस को लीड मिलती है। यहाँ सबसे बड़ी हमारी जो उपलब्धि रही है स्वच्छता की। हमने इस मोहल्ले को नुक्कड़ मुक्त किया। फिर मेरे पार्षद बनने से पहले यहाँ 16 ट्रिप टैंकर चलता था और संजय नगर में कहीं टैंकर नहीं आता, चाहे जहाँ जहाँ शादी भवन हो, मैदान हो, सारी जगह पानी की भी व्यवस्था कर दी। स्ट्रीट लाइट के लगभग 99% आपको लाइट चालू रहेगी। यह जो मूलभूत सुविधा राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, परिचय पत्र है, स्मार्ट कार्ड, ये सारी मूलभूत सुविधा हमारे यहाँ माध्यम जो है साउंड सिस्टम के माध्यम से गली गली में प्रचार करके लोगों को, हर किसी को बिना भेदभाव के, ना पार्टीगत भेदभाव है ना जातिगत भेदभाव है, सबको साथ लेकर के चलने का अपन ने लगातार प्रयास किया। उसी के कारण है कि पहला चुनाव में 129 वोट से जीता था, दूसरा चुनाव में लगभग 2000 वोट से जीता। 5 साल के बाद एक बार फिर अवसर आ रहा है वोट डालने का, कितना काम देखते हैं वार्ड में वर्तमान पार्षद के कामकाज से, कितना आपको लगता है कि आखिरकार यहाँ काम हुआ है? काम तो ऐसा है, लगभग पूरा एक नंबर काम हुआ है और इसमें कोई दहमत वाली बात नहीं है। आप तो अभी लेके कैमरा जाऊँगी स्कूलों में, इधर उधर जहाँ भी जाना है। बाकी काम जो है मेरे हिसाब से बेहतरीन, 10 में 10। क्या प्रमुख कामें हैं? प्रमुख काम है भवन बना है, शादी का भवन बने हैं, मंदिरें बनी हैं, हमारी ईदगाह बनी है, रोड नाली पानी की इतनी अच्छी सहूलियत है कि कोई एरिया कोई मोहल्ले में नहीं है। आप बताइए कुछ काम? सर, यहाँ नाली सफाई नहीं होती है, हफ्ते महीने बाद में एक बार सफाई होती है, जो कि झाड़ू झड़ती है, चौक से आगे झाड़ू नहीं झड़ती, 11 बजे 12 बजे झाड़ू झड़ने आते हैं और नाली साफ बोलो तो जब जाके यहाँ नाली साफ होती है, जाओ 10 बार बोलो पार्षद साहब को भैया नाली साफ नहीं हुई तो नाली साफ नहीं होती, इसकी परेशानी है। घर घर बार बार जाना पड़ता है उनके लिए, भैया कागज वो कर दो, हो जाएगा वो हो जाएगा। आज 2 साल से ये खराब है अपना, क्या बोलते हैं मोटर पम्प, उसको बोल के परेशान होगा अपना भाई, उसको बनवा दो उसको बनवा दो, उसको बनवाए नहीं है। जब यहाँ धार्मिक काम होते रहते हैं, लंगर अंगर शादी हुआ सब होता है, उसको बोर करवा दो, उसका बोर नहीं हुआ 10 साल से बोलते हुए आ रहे हम लोग। आप बताइए दादा, 5 साल के बाद फिर मौका आ रहा है, क्या मूलभूत सुविधाएँ पहले थी वार्ड की और उसमें कितना अमली जामा पहनाया जा चुका है? इस मोहल्ले में जो विकास हुआ है समीर के आने से हुआ है, समझे? हम ऐसे 10-12 साल पहले आए थे, हम पानी के लिए तरसते थे, यहाँ से वो रोड पे पानी लेने जाते थे। आज हर चीज़ की सुविधा है इसमें, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। हाँ, कभी सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं तो उस वक्त यानी यहाँ सफाई रुक जाती है, जब आदमी आते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। इस मोहल्ले का विकास समीर ने बहुत अच्छा किया, हर चीज़ का किया। अब ये आप बताइए कितना काम हुआ है, मौका आने वाला है फिर 5 साल बाद, 5 साल हो गया वार्ड को, यहाँ पर वार्ड पार्षद को, कितना कामकाज हुआ है और कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? ऐसा काम तो लगभग सब सही हुआ है वार्ड के अंदर और जो पार्षद महोदय बहुत अच्छे हैं। मतलब उम्मीद तो हमारी यही है कि जिस तरीके से और भी जो काम बाकी है। क्या ऐसे काम हैं? कई काम ऐसे हैं, जैसे कोई हमारे जो पुलिया जो है इस पार की मिश्रा होटल वाली गली की, तो उसका काम अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि संजय नगर के अंदर लगभग सभी काम अच्छे हुए हैं, इसके अंदर काम के अंदर कोई कमी नहीं आई है। बाकी और जो काम जो बचा है, जैसे कई चीज़ें ऐसे रहती है कि इसके अंदर थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, जैसे कोई हम ही अगर चले गए कि भाई वो कार्ड की हमारे को ज़रूरत है, तो इनको थोड़ा सा वार्ड के पार्षद होने के नाते थोड़ा समय और ज़्यादा देना चाहिए वार्ड की जनता को, ये मेरी सोच है।
यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से दुकान का व्यवसाय कर रहे हैं भैया, उनसे बातचीत करते हैं। आपका दुकान है यहाँ पर, काफ़ी आप यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ देख लेते हैं, तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि 5 साल के बाद अब मौका आ रहा है, 21 तारीख को वोटिंग होनी है, 24 को रिजल्ट आएगा, आकलन एक करना रहता है पार्षद का, तो आप क्या सोचते हैं, कितना कामकाज यहाँ पर हुआ, पहले क्या समस्याएं थी? समस्याएं तो बहुत थी पहले, अभी कुछ नहीं समस्याएं, अभी वही हॉस्पिटल की है सिर्फ, सलाटर हाउस में हॉस्पिटल बन जाना चाहिए एक तो। सड़क बिजली पानी को लेकर कितना काम हुआ, दावे बहुत करते हैं लोग, लेकिन कितना काम हुआ? बहुत काम हुआ है यहाँ तो, सड़क बिजली पानी सब है, पूरा है, इनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। नालियों की सफाई होती है बराबर? होती है। मैं समझता हूँ कि रायपुर शहर का सबसे बड़ा वार्ड के अंदर गिनती आती है संजय नगर की, क्योंकि संजय नगर, संतोषी नगर, ये सब मिले हुए जुले वार्ड है ना, लगे हुए, तो इस जगहों के ऊपर अस्पताल की ज़रूरत है कि आधी रात को अगर किसी को अगर तबीयत खराब होती है, कुछ भी अगर होती है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सरकारी अगर अस्पताल अगर हो जाए, मालूम है, तो ये समझता हूँ कि ये अपना क्या कहते हैं शंकर नगर से भी अच्छा वार्ड कहना चाहिए हमारे को, इस वार्ड को। तो ये राजीव जो वार्ड है, राजीव पांडे वार्ड, वहाँ के लोगों की यह राय थी, कुछ का सामान्य तौर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, कुछ कह रहे हैं काम बहुत ज़्यादा हुआ है, हालांकि अस्पताल सबसे सभी लोगों की चर्चा में आया कि अस्पताल यहाँ पर होना चाहिए, सबसे बड़े मुद्दा यहाँ पर है कि एक सरकारी अस्पताल संजय नगर में होना चाहिए, हालांकि सड़क बिजली पानी को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत काम हुए हैं ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन कुछ काम और यहाँ पर बाकी है। इस वक्त हम महर्षि वाल्मीकि वार्ड क्रमांक 32 में मौजूद हैं, यहाँ पे वार्डवासी हैं हमारे साथ, पार्षद हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह की 5 सालों में काम हुई है, चूंकि चुनाव का दौर है, नगरीय निकाय चुनाव होना है, आचार संहिता लगी हुई है, तो इस दौरान लोगों को किस तरह की प्रत्याशी चाहिए, उनको प्रत्याशियों से क्या उम्मीद है, जो यहाँ के पार्षद रहे हैं वो किस तरह से काम किए हैं, पहले हम हमारे पार्षद से ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आप चुनाव जीत के आए, क्या एजेंडा था आपका, लोगों के बीच आपकी क्या जन घोषणाएँ थी, कितने आप काम किए? जी यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी रोड नाली पानी की, लाइट की, बाकी सभी पूरा हो गया है, लाइट की भी कोई समस्या नहीं है, पानी का भी नहीं है, और यहाँ सभी चीज़ का है, मात्र एक सामुदायिक भवन यहाँ चाहिए था, सामुदायिक भवन नहीं है, और एक हॉस्पिटल चाहिए था छोटा सा, वो भी नहीं है, बाकी तो ऐसे सभी काम प्राय सभी चीज़ हो गया है, छूट मूट जो काम बाकी है आने वाले समय में, वो आने वाले 5 साल में उसको भी पूरा करवाएंगे। यहाँ जैसे राजधानी में सफाई और पानी, ये एक वार्ड का नहीं सभी वार्ड में समस्या है, तो यहाँ सफाई की क्या स्थिति है, प्रतिदिन हो रही है सफाई यहाँ? नहीं प्रतिदिन तो नहीं हो रही है, इसके लिए मैं मान रही हूँ, इतना बड़ा वार्ड 45,000 की जनसंख्या में 35 कर्मचारी दिए थे, तो उसी में मतलब जैसे अपना बाटल हाउस से लेके सीधा कचना भी जाना पड़ता है, प्लस ये अपना जोरा तक भी जाना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा वार्ड होने के नाते मैं मानती हूँ कि कर्मचारी के वजह से ये सफाई में थोड़ा से कमी आई है। पेयजल की बात करें तो पानी व्यवस्था कैसी है? नहीं पानी की कोई किल्लत नहीं है यहाँ, जब से टंकी बनी हुई है पानी की कोई किल्लत नहीं है। जो वार्ड है आपके पार्षद हैं वो आप कितने घूमने निकलती हैं आपके वार्ड में, आपकी समस्या कभी पूछी है कि आपको क्या समस्या हो रहा है तो हमको क्या नहीं, चाहिए? नहीं 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 बिल्कुल नहीं पूछती है वो, और वो कुछ काम के लिए साइन कराने जाने से भी भागो बाद में अबे अभी मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे बोलते। अच्छा हाँ। आप कितने बार गए हो उनके पास? गए ना बहुत बार गए हैं, हम लोग के लिए बहुत ये करती है, नफरत करती है, नहीं करती है साइन उइन कुछ नहीं करती है, और एकदम गुस्सा करती है। आपको पीएम आवास मिला है? आवास मिला है, घर 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 बनाने के पैसा नहीं, नहीं, नहीं मिला है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है लेकिन विधवा कार्ड नहीं बना है। अच्छा विधवा कार्ड नहीं मिल रहा, जो पेंशन मिलना था विदुर वाला विधवा वाला वो मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है। कितने साल से आप हैं विधवा, मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन ये मुद्दा है, या सरकार आपके लिए योजना लाई है तो आपको मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता। कितने सालों से? अभी नया साल आएगा 1 तारीख से 4 साल हो जाएगा मेरे पति को। अच्छा हाँ। तो और किस तरह की समस्या है आपके वार्ड में, और आप जैसे वार्ड में कहीं घूमने निकलते हैं देखते हैं तो क्या समस्या है? ऐसे ही समस्या है बिजली पानी लाइट
सब तो आ रहा है। अच्छा, ये हो रहा है सर, पीछे इस गली में आइए। आप बताइए कि आप इस वार्ड के स्थानीय नागरिक हैं, किस तरह की समस्या देखने को मिलता है? देखिए, समस्या तो आज 5 साल में बहुत ज्यादा है। आज यानी कि जो बोल रहे हैं, ये जो जी मीम, ये जो सरकार ने लगाई है, एक हमारे सज्जन यानी कि नागरिक हैं प्रमोद मिश्रा जी, उनकी देन है। आज ये जो झूला वोले और जो टंकी लगे हैं, बोर की पानी जो व्यस्त फेंकाती थी, आज उनकी देन है। वो 3 महीने के अंतर्गत बहुत व्यक्तिगत अपनी व्यक्ति छवि से किए हैं वो काम। दूसरी चीज सफाई की बोलते हैं, आप ये पीछे गली से चलिए, ये पीछे स्कूल है, गंदगी देख लीजिए। बच्चों को जैसे मैं डोंगल गाँव में, बच्चों को जैसे खाना पीना जैसे सरकारी स्कूल में, वहाँ का जो सरपंच होता है, वो जाके मैं खुद 3 दिन रुका हुआ था कोंडा गांव में, तो वहाँ देखा कि जो जिस टाइप का देखना चाहिए बच्चों के शासकीय स्कूल में, जिस टाइप की प्रावधान आती है हमारी केंद्र से, मैं कोई बीजेपी या मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक व्यक्तिगत जो छवि होती है उस छवि में भी सही नहीं उतरे हैं। आज यानी कि बोलते हैं कि नाली वाली 35 कर्मचारी बहुत होते हैं, 5 कर्मचारी एक जगह में, 5 कर्मचारी एक जगह में, मगर पीछे आप नली का फोटो देख लीजिए, ये पीछे बस्ती है स्कूल के, इतनी गंदगी है। और इसी गंदगी में, और मैं चलते चलते आपको दिखा भी दूंगा, ये पीछे जो स्कूल के जस्ट पीछे, और इस टाइप की बात करते हैं। देखो, पार्षद चुनाव, पार्षद घर का व्यक्ति होता है, कोई इसको पार्टी लेवल नहीं देखा जाता, एक व्यक्तिगत में यानी कि छवि में, यानी कि लोग जैसे सरपंच हो गया, महासरपंच हो गया, पार्षद हो गया, ये व्यक्तिगत आदमी को देखा जाता है, मगर ये व्यक्तिगत घर की भी रह के यानी कि जो है, इनसे अच्छा तो जो पूर्व यानी कि राजू राघव पार्षद थे वो बेस्ट थे। आप 5 सालों से देख रहे हैं, आपको किस तरह की समस्या देखने को मिली है यहाँ पे पूरे वार्ड में, या जो पार्षद के काम है उसे आप कितने संतुष्ट हैं या कितने काम से उसे परेशान हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले जितने जो लोगों से चर्चाएं आपने किए, वो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, बीजेपी के नेता या उनसे संबंधित लोग थे, और पार्षद जी थी। अभी हमारी माता जी ने आम जनता को आप घूम भ्रमण करके पूछ लीजिए, वो कितना संतुष्ट है। अभी बंटी भैया ने बोले प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले साइन करा लेते थे, प्रधानमंत्री जी तो खाते में पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन पहले भैया आपके घर में मकान बन रहा है तो आपसे दस्तखत करा लिए, पैसा उन्हीं लोग निकाल के, इतनी ज़्यादा धांधली और इतना कुछ होते हुए भी हम लोग सब सिर्फ इन लोग अभी चुनावी उसको सेकने में लगे हैं। आज आचार संहिता लग गया है, बताइए ये नीति नियम है क्या यहाँ पे कुछ होने का? आप बताइए सर, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप। बिल्कुल, कल तक तो लोगों को पता नहीं था, आज ही लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी कैसे सताने लग गई। इस वक्त हम विजयनगर पे हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय हैं, लोग हैं उन सारथी जी हैं, उनसे जानते हैं उनको किस तरह की समस्याएं हो रही है, चूँकि वो दिव्यांग हैं और उनको उनका हाल उनसे ही जानते हैं कि शासन प्रशासन और पार्षद से कितना सहयोग मिला है। आपको किस तरह की सहयोग मिला है, आपको क्या ज़रूरत है? पार्षद से अब तक के तो हमको कोई सहयोग नहीं मिला है। कभी उनके पास गए थे, आपको क्या ज़रूरत है, क्या समस्या? गया तब भी मेरी समस्या और समस्या गहरी हो गई। क्या क्या बोले, क्या बता रहे हो? वो मेरे जगह जमीन संबंधित गया था, लेकिन वो निवारण नहीं हुआ, और वो थी मेरे से बहुत, मेरे साथ में गलत भी की करने वालों ने, लेकिन उनने एक शब्द नहीं बोली। अच्छा, तो आपको योजनाएं बहुत सारी हैं जी, जैसे पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, इन सब चीज़ का आपको फ़ायदा मिलता है? जी नहीं, उज्ज्वला का नाम, उज्ज्वला गैस सिलेंडर में मेरा नाम आया है, लेकिन अब तक के उज्ज्वला गैस सिलेंडर नहीं मिला है उसके अंतर्गत। घर मिला है, घर आवास, पीएम आवास? जी नहीं। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलता है, लेकिन पेंशन में भी कई सारे हमको मुसीबत सहनी पड़ती है। पेंशन वाटअप करने वाले आते हैं, बताते हैं किसी तारीख को और आते हैं किसी तारीख को। मैंने इसके पहले ही पूछा था पेंशन वाटअप करने वाले को कि कब मिलेगा आगे महीने में, उनने 21 तारीख बताया। मैंने कहा कि 21 से पहले और कभी, 2 दिन तो बाँटते हैं ना, तो बोले नहीं 21 से पहले कभी नहीं मिलेगा। मालूम हुआ कि 16 तारीख को बाँट दिए, और उनके बाँटने के कारण लोगों की संख्या पेंशनधारियों की कम हो गई, और जब 21 तारीख को आए तो कुछ ही समय पश्चात उन लोग चले गए। मैं गया लेकिन वापस आया। आपसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या है यहाँ, और जो पार्षद हैं वो किस काम किए हैं उसे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, काम तो उन्होंने किए, ऐसा नहीं कि निष्क्रिय नहीं रही,
जल की समस्या दूर की है, नाली की समस्या तो काफ़ी गंभीर है, ये तो सब जानते हैं, आपके सामने दिख रहा है, आप शायद कैमरा इधर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। नल है, पावर पंप है, कहीं ख़राब हो जाता था, पब्लिक जाते थे उनके पास, कोई सुनवाई नहीं, निगम से जाते थे, अब निगम का आपको पता है 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना बन जाता था, पानी बहता था, पानी टंकी के लिए हमने कई आवेदन दिए, मौखिक गए, और हम उनका कार्यकर्ता ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे घर की व्यक्ति थी वो है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आपके जहाँ वार्ड के पार्षद हैं उनके काम से कितना प्रभावित हैं, चूँकि इस बार महापौर का चुनाव पार्षद से होना है, तो पार्षद को चुनना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके एरिया में जो परिसीमन वाली जो एरिया जो अभी डिसाइड हुई है, आप उसमें घूम करके देखिए, सबसे बड़ी सफाई की समस्या, डेली झाड़ू तक नहीं लगता है, ठीक है, नालियों की समस्या, निस्तारी ही प्रॉपर नहीं रहेगी, तो जब पानी लगेगा तो इन गलियों में पानी भर जाता है, इन लोग भी जानते हैं, ठीक है, तो निस्तारी की समस्या सबसे अहम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि कूड़ा कचरा अगर समय से यहाँ से नहीं सफाई होगा तो यहाँ के लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे, तो उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। तीसरी बात यह है कि पैचिंग का काम, अगर रोड भी बन रहा है तो रोड प्रॉपर, जिसको कि गुणवत्ता की बात होनी चाहिए, गुणवत्ता नहीं है, ठीक है, इसमें कौन जिम्मेदार है, कैसे जिम्मेदार है, उससे हमको कोई नहीं मतलब है, लेकिन विकास में इन सब चीज़ों की सबसे अहम आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ है प्रॉपर लाइट, लाइट हमारे एरिया में आज है कल नहीं है, परसों है तरसों नहीं है, ये कभी भी प्रॉपर मेंटेनेंस लाइट नहीं होता, स्ट्रीट लाइट तो एटलीस्ट जलनी चाहिए, इसमें पार्षद का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो अभी आपने हर वर्ग के लोगों को सुना, चाहे वो आम नागरिक हो या पार्टीगत व्यक्ति हो, सबका कहना है कि यहाँ नाली और पानी की समस्या बरकरार है, और उन्हें ऐसे उम्मीदवार चाहिए, ऐसे पार्षद चाहिए जो इन समस्याओं का निदान कर सके, ना कि बड़ी बड़ी बातें करके बाद में भूल जाए और उनके पास जाने से उसको समस्या का समाधान के बजाय धुतकार मिले। तब ये देखना ही होगा, उम्मीद बहुत बड़ी है और इस उम्मीद पर खरा कैसा कौन सा उम्मीदवार उतरता है, ये आगे की चुनौती है, लेकिन फिलहाल यहाँ समस्या बहुत है, समस्या का समाधान कैसे हो इसके लिए यहाँ के नागरिक ही इसका विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि इनके ही हाथों पे है कि पार्षद किसको बनाए और उनके माध्यम से महापौर का चुनाव होना है। कैमरामैन श्याम के साथ, हमारे सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ, सत्या राजपूत। तो वार्डों का हाल जानने हम आज पहुंच चुके हैं रायपुर के वार्ड क्रमांक 43 महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड। इस वार्ड के बारे में कुछ जानकारी आपको बता दूं, अभी वर्तमान पार्षद यहां पर राजेश सिंह ठाकुर हैं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था लेकिन बाद में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी और वो पार्षद के रूप में चुने गए। हालाँकि हम इस वार्ड में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं इस वार्ड की है, वर्तमान पार्षद ने कितना काम यहां पर किया है, जो मूलभूत समस्या है सड़क पानी बिजली, इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको लेकर क्या कुछ हुआ है, वो जानने की कोशिश यहां पर करेंगे। हमारे साथ बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और यहां पर जो आम लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। यहां की परिस्थितियों के बारे में बात की जाए तो अभी जो परिसीमन अभी नगर निकाय का हुआ उसके चलते वार्ड में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, उसके कारण कई जो आम लोग हैं वो परेशान खासे नज़र आ रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले वार्ड की परिस्थिति के बारे में जानना चाहूँगा। पूर्व में राजेश ठाकुर जी निर्दलीय चुनाव जीते हैं इस वार्ड से, 43 नंबर वार्ड से, और उनकी जो निष्क्रियता है वार्ड में बड़ा ही मुद्दा है, और जनता को जो सुगमता से उपलब्ध होने वाला एक व्यक्ति चाहिए होता है छोटे चुनाव में, जो उनकी मूलभूत समस्याओं को सुने, उनका समाधान करे और बड़ी सुगमता से उनके साथ पेश आए, इस प्रकार के व्यवहार की जो उम्मीद जनता को थी, जिन्होंने प्रलोभन देकर स्वयं को एक प्रकार से बताया था कि मैं विकास पुरुष बनूंगा और वार्ड की समस्याओं का निदान करूंगा, वो सारे मामले में विफल रहे हैं और जनता उनसे काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी नाराज है। सड़क पानी बिजली को लेकर कितना काम हुआ, क्योंकि यही सब जरूरत वाली चीज़ें होती है। पार्षद चुनती है जनता इसलिए क्योंकि वो समझती है कि हमारे बीच का व्यक्ति है, हमारे पास का व्यक्ति है, क्योंकि बड़ा चुनाव जब होता है उसकी बात अलग होती है और पार्षद चुनाव की बातें अलग होती है। तो मुझे लगता है राजेश ठाकुर जी से जिस भी विषय के लिए संपर्क किया गया है वे ना तो उपलब्ध हुए हैं और एक
हिस्सा जो उनके निवास के आसपास का है उन्हीं पे उन्होंने फोकस किया है, चाहे नाली की बात हो, सफाई की बात, चाहे विकास की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या की बात हो। कितना काम देखते हैं अभी आप वार्ड में? 5 साल पहले वो चुनकर आए थे, वादे बहुत किए होंगे उन्होंने, क्या चीज़ों को उन्होंने पूरा किया और क्या चीज़ें बाकी रह गई है? पहले तो पार्षद को जनता से जुड़ना चाहिए, पार्षद ध्यान ही नहीं देते हैं, आते ही नहीं है कहीं पे, किसी से चर्चा ही नहीं करते हैं। पहले तो जनता से जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनको वोट का हक मिले, ऐसे में तो कोई उनको हक नहीं वोट का। पानी बिजली सड़क ले हुआ है कुछ काम? बहुत ढीला काम होता है, जब कंप्लेन करोगे तब काम होता है, ऐसा नहीं कि चलो कोई आदमी भेज दिए कहीं पे कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। पार्षद का सीधा जुड़ाव नहीं है क्या जनता? नहीं है, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भेज रहा है मोहल्ले में देखने के लिए कि क्या है, क्या कमी है, कुछ ऐसा आज तक नहीं हो रहा है 5 साल में। लोग निरीक्षण करने आते हैं? आज तक नहीं आया, कोई आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो नहीं मालूम अपने। आप बताइए, शिक्षा रोजगार के लिए कुछ हुआ है इस वार्ड में? नहीं, अभी तक तो वैसे कुछ खास हुआ भी नहीं है, और पार्षद महोदय तो ये सब बारे में देखने के लिए भी नहीं आते कि कौन, मतलब आंगनबाड़ी ये सब क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र में कुछ करते नहीं है। भैया आप बताइए, जब पार्षद का चुनाव यहाँ पर जो आपके वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने जीता था, तमाम दावे उन्होंने उस समय किए थे, उन दावों पर कितना खरा वो उतर पाए हैं? एक्चुअली जितना वो बोले हैं उसके हिसाब से कार्य तो हुआ नहीं है, बट बोलते बहुत हैं कि भी हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा कुछ करके। अब जैसे नज़दीक आता है चुनाव तो उसके हिसाब से वो लोग बीच में आके रखते हैं कि आपका काम हो जाएगा, बट वो चीज़ होता नहीं है। तो अब हम चाहते हैं कि एक नया प्रत्याशी कुछ खड़ा हो, जिसे कि उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ इस काम को आगे बढ़ाए और कंप्लीट कराए। बहुत लोगों से चर्चा किया, ये बात तो प्रमुखता से निकल कर सामने आई कि उनकी निष्क्रियता काफ़ी है इस क्षेत्र में, वो सीधा लोगों से मिलते नहीं, ना वार्ड का वो निरीक्षण करते हैं, ऐसी चीज़ें निकल कर आई, आपका क्या मानना है? नहीं, ये सही है सर, सही है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, एक क्षेत्र होता है, मतलब उनका काम क्या होता है, सभी क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करवाना होता है, बट उस काम को वो किसी एक विशेष क्षेत्र में करवाते हैं, बाकी हमारे क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ है जिसके लिए हम उनको कहें। जैसे कि आपके जैसे नाली है ना, वो आपका सफाई वगैरह नहीं होती है अंदर की तरफ, बाहर रोड में तो होती है, खैर आते हैं अभी सफाई करने के लिए, और कुछ मूल सुविधा जैसे पानी का है। आप बताइए, मैंने अभी एक कुछ दिन पहले तस्वीर देखी थी, जो नल जल योजना लगाया गया है हर वार्ड में, वहाँ पर पानी खुले तौर पर कई दिनों से बर्बाद होती रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं जाता क्या? क्योंकि तमाम जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, यही पानी बिजली सड़क है, तो इसको लेकर क्या आप एक वार्डवासी के तौर पर आप क्या सोचते हैं, कितना कामकाज से खुश हैं आप पार्षद के? वैसे तो मैं 15 सालों से देख रहा हूँ, मेरे जानकारी अनुसार पार्षद जी से वैसे तो संपर्क होता नहीं, हम लोग खुद वहाँ पर जाते नहीं, क्योंकि ना कई बार ऐसे पब्लिक बोलती है कि ना हम लोग जाते हैं उनके पास काम के लिए, लेकिन वो बोलते हैं कि आप लोग तो मेरे वोट दिए नहीं है तो मैं आपसे कैसे सेवा करूँ, ऐसा बोल देते हैं, तो इसलिए हम लोग तो कभी गए नहीं उनके पास। और जो भी काम होता है, जैसे आप बोल रहे हैं नल से पानी बहता है, तो हम लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके हम लोग वो टोटी वगैरह लगा देते हैं, और बोर भी कई बार ख़राब होता है, फिर भी हम लोग आज तक कभी पार्षद के पास नहीं गए। कहाँ कुछ काम करे अभी तक पार्षद? हाँ, जा रहा था सब केला मोल, मत बता, कोई कुछ नहीं करे, मोर बनाए दिए कुछ नहीं दिया, सबके लिए राशि बनाते, सब क्या ऊपर सबसे बड़े पेंशन कहाँ पड़ता है, वृद्धा पेंशन के लिए काम कुछ करे पार्षद? सारी तब कद का पाप पर गए, सब लोग राशि पैसा देवा थे, बोल 5 पैसा नहीं देवा, सब तोड़ कर कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, पेंशन ले के कुछ काम हुए? कहाँ गई थे, जाता था ओकर पास? नहीं जा, एक दो घाव गया भाई, काबर झूठ बोलूँ तो आप छोड़ ही दे, मैं जाए बर आप छोड़ दे, नहीं मैं छोड़ दे, काबर अच्छा नहीं लगा। क्या चाहता था दाई, काबर चुनाव होने वाला है 21 तारीख के, हाँ तो क्या चाहता था वो पार्षद से आने वाले समय में? तो उस देखो नहीं गा, क्या चाहता था पार्षद से, क्या होना चाहिए? अब जाऊँ मिला तो ऐसे नहीं राशि राशि बना दे हम, हाँ मैं बोले नहीं आगा सर।
ये सबसे बड़े पेंशन भी एक मुद्दा है इस वार्ड का, क्योंकि निराश्रित जो पेंशन है वो काफ़ी संख्या में आपके लोगों को नहीं मिला है। ऐसे हमने एक बुजुर्ग से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि एक दो बार वो वार्ड पार्षद के पास गए लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी तो उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। ऐसे तमाम तरीके से जो समस्या है वो यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि तमाम दावे पार्षदों के द्वारा चुनाव के समय किए जाते हैं और उसी दावों को लेकर वो जनता के पास वोट मांगने जाते हैं, लेकिन दावों को अगर हकीकत जानने जाएँ तो दावों पर निश्चित तौर पर एक तरीके से उस दावों की पोल खोलती नजर आती है। तो ये हमने अभी लक्ष्मी नारायण दास वार्ड जो वार्ड क्रमांक 43 है उसका दौरा किया और यहाँ पर तमाम सारी, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे सड़क, पानी, बिजली, सबके लिए एक तरीके से समस्याएं निकल कर सामने आई। हमारी खास प्रोग्राम पारा मोहल्ला चुनावी हल्ला में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे किसी अन्य वार्ड से हम वहां पर जाकर देखेंगे कि वहां पर बुनियादी सुविधाएं आखिरकार कितनी कारगर साबित हुई है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।